लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सज्जनों नमस्कार, क्षमा कीजिए, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मैं जानता आप यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आए, आप मेरी बेटी शांति को उसके जन्मदिन की बधाई देने आए जैसे कि हर साल। अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेरी बेटी आती ही हो। अगर शांति की माँ जिंदा होती तो वो देखती हमारी बेटी अब कितनी बड़ी हो गई, 18 बरस। देखिए वो आ गई हमारी बेटी। आ बेटी आ, देख कितने लोग तुझे बधाई देने आए। धीरे धीरे उतर, आहिस्ता बेटी आहिस्ता, कहीं पाँव ना फिसल जाए तेरा। शांति संभल कर बेटी, संभल कर। बधाई हो बेटी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। रामा जी, रामा जी, नहीं नहीं चंचल के पिता, नहीं नहीं, मैं कब तक अपने आप को धोखा देता, कब तक। मैं जानता हूं जब भी आज का दिन आता है तुम लोग क्यों साथ देते हो मेरे, और क्यों तुम्हारी भी चंचल हमेशा मेरे साथ है। मुझ पर तरस खाकर, मुझ पर तरस खाकर, ताकि मुझे मेरी बेटी की याद न सताए। जाने कहाँ है वो हमारी बेटी, हमारी शांति। 17 बरस ना कानून के रखवाले उसे ढूंढ सके, और मेरे आंसू, मगर मेरा मन कहता है, मेरा वहम, मेरा पागलपन,
कि वो किसी दिन जरूर आकर मेरे गले लग जाए। दीनानाथ, दीनानाथ, कब बनेगा एक ऐसा घर, एक ऐसा स्थान कि जब मेरी बेटी मुझे मिले तो उसमें आराम से रह सके, ये भूलकर कि इतने बरस उसे किसने पाला, कहां देश के किस कोने में, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, किस धर्म या सभ्यता की छाया पड़ी है उस पर। दीनानाथ, कब तुम बनाओगे ऐसा घर जिसमें रहकर वो अपने बीते हुए दिनों को भूल सके। ना सोच, इतनी देर किस लिए, ये मेरा लाखों रुपया किस काम का, कैसे शिल्पकार हो तुम, कैसे कारीगर। मजबूर आपसे भी ज्यादा, तो मैं मर जाऊं निराश होकर। नहीं बंधु, कोई तो होगा हमारे देश में ऐसा घर बनने वाला जिसे मैं ढूंढ के रहूंगा हिमालय से कन्याकुमारी। वचन दो। कोई भी बेटी की सौगंध। बेटी, हाँ, ये रही मेरी बेटी, जैसी कि वो 17 बरस पहले थी। तू मेरे मन की हजारों आंखों से तो ओझल नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी रूप में, इस देश की हजारों लाखों बेटियों। आओ माओ बहनों बेटियों, देखो उस पत्थर को जिसे कामधेनु का पत्थर कहते हैं। उस पर कान लगाने से संगीत के मधुर स्वर सुनाई देते हैं, और कहा जाता है उस पर अपना नाम लिखकर मन में ध्यान पूर्वक सोचने से अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। आई बात समझ में? आई। तो आजमाओ अपनी किस्मत, नाम लिखने के लिए चाक मौजूद है। एक चाक के 10 रुपए।
देखिए प्राचीन भारत की सभ्यता का एक चमत्कार। आइए। माओ बहनों बेटियों, बरसों पहले सदियों पहले लेटा सोया पर्वत था ये। फिर एक दिन छेनी उठी, एक दिन छेनी उठी, भीगी रस में डूबी डूबी, चोट पड़ी तो पत्थर पत्थर, जाग उठा अंगड़ाई लेकर। आई बात समझ में? आई। आइए पधारिए। मालूम है ये मंदिर और इनके अंदर जो मूर्तियां हैं उन्हें बनाने वाला कौन था? कौन? मेरे ही पुरखों में से एक। तो फिर तुम भी मूर्तिकार क्यों न बन गए बाबा, गायक क्यों बने? हर कोई मूर्तिकार नहीं बन सकता बीबी, बनना भी चाहे तो। पर मेरा एक बेटा है विजय, मुझे विश्वास है वो एक दिन जरूर मूर्तियां बनाएगा, इनसे भी अच्छी जो इन मंदिरों में है। इनसे भी अच्छी? हाँ हाँ, इनसे भी अच्छी। उसे बचपन में पत्थर तराशने की लगन थी, पर जब से वो जवान हुआ छेने और हथौड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। खैर छोड़िए इस बात को, आइए पधारिए। रुक क्यों गए बाबा? देखिए वैसे तो मैं 1 रुपया लेता हूँ मंदिर दिखाने का, पर आप अगर 2 भी देंगी तो ले लूंगा। हम पर ही मेहरबानी क्यों गाइड जी? छुट्टी का दिन है, आज जो कमाई होगी हफ्ता भर काम आएगी, इसी कमाई से मैंने अपने बेटे को भी पढ़ाया है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज तक। अब आप लोगों की मर्जी, 1 रुपया या 2 रुपये। तो आइए पधारिए। अब सबसे पहली मूर्ति जो मैं आपको दिखाऊंगा वो श्री भोलेनाथ की होगी, जब वो पार्वती को ब्याहने आए नंदी पर सवार, भूत पिशाचों के साथ, सर पर जटाजूट और चंद्रमा, हाथ में डमरू और त्रिशूल, गले में नरमुंडों की माला। गले में नरमुंडो? विजय साइकिल पंचर हो गई है पिताजी। साइकिल पंचर हो गई? इधर आना लाए। आया पिताजी। मेरा बेटा विजय फिर आवरा गर्दी। भूल गया तूने क्या वचन दिया था कि आज तू पत्थर तराशेगा मूर्ति बनाएगा? क्या करता, वो आ गए थे। वो कौन? चाचा जी उमर खयाम वाले। आपको बुलाया है। खाली हाथ थे उनके कि हाथ में वो किताब थी उमर खयाम वाली? हाँ थी। थी? नहीं नहीं थी पिताजी, नहीं थी। तब जरूर कोई काम होगा मुझसे। जी हाँ जरूर होगा। जानता है ये कौन है? जी हाँ छोकरियां। छोकरियां? छोकरियां नहीं नालायक, माए बहने बेटियां। देखो अब मेरी जगह ये दिखाएगा आपको मंदिर और मूर्तियां। सुन 2 रुपये मिलेंगे इनसे। जी समझ गया, बिल्कुल समझ गया। 2 रुपये। तो सुनो ऐ छोकरियों। छोकरियों नहीं माओ बहनों बेटियों, आइए पधारिए, आइए चलिए पधारिए। ये देखो, ये किसकी मूर्ति है गाइड जी? गंगा। आई बात समझ में? आई। आइए
आइए पधारिए, आइए पधारिए। शिव और पार्वती की शादी, जैसे हर लड़की की शादी, जैसे हर लड़की की शादी। आई बात समझ में? आई। आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। देखो अब कैलाश के ऊपर शिव और पार्वती बैठे हैं, प्यार भरे दो प्याले जिनको तरसे दुनिया वाले। आई बात समझ में? आई। लेकिन अब यहाँ नीचे देखो शिव के यहाँ भगत रावण को, जिसने अपने शीश उठाया ऊंचे पर्वत के आसन को, ऊंचे पर्वत के आसन को। आई बात समझ में? फिर? फिर? हाँ, फिर? फिर वही हुआ जो होना था, रावण यहाँ और पर्वत पर राम और सीता बैठे थे। ओ, फिर? सीता ने फिर राम को देखा। ओ, फिर? राम ने फिर सीता को देखा। फिर? मन ही मन दोनों मुस्काए, खुश होकर रावण के सर पर आशीषों के फूल गिराए, आशीषों के फूल गिराए। आई बात समझ में? क्यों? राम और सीता नहीं गाइड जी, ये तो है शिव पार्वती जी। आई बात समझ में? आई। समझ में? आइए पधारिए।
गई, ये भी गया। विजय, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तेरा चाचा तो वहां नहीं था। जी वो चले गए होंगे। चले गए होंगे, चले गए। और वो लड़कियां, वो भी चली गई? रुपए लिए कि नहीं? लीजिए, मैं तो रुपए देना भूल ही गई। 10 रुपए? मुझे तो 2 से ज्यादा कभी नहीं मिले। अगर मैं गाइड बन जाऊं तो मजा आ जाए। नहीं नहीं बेटा, गाइड बनने के लिए तूने जन्म नहीं लिया। मैं भी सिर्फ रुपया बटोरने के लिए ये काम नहीं करता। तो फिर किस लिए? इसलिए कि सदा इन मूर्तियों के पास रह सकूं और तुझे याद दिलाता रहूं कि तुझे एक दिन इनसे भी अच्छी मूर्तियां और मंदिर बनाने हैं, और उस सपने को पूरा करना है जो मैंने कभी देखा था मुझसे पहले मेरे बाप दादा ने। पूरा करेगा ना बेटा? उधर क्या देख रहा है? परछाइयां, आपके सपने की। पिताजी, जो पहली बार दिखाई देने लगा है, धुंधला धुंधला सा। सच? आइए आइए महाराज, मैं दिखाता हूं आपको मंदिर और गुफाएं, आपसे सिर्फ 1 रुपया। कहाँ गई थी? जहाँ ये साइकिल ले गई थी। और ये साइकिल कहाँ ले गई थी तुझे? जहाँ मैं गई थी। हर बात हंस के डाल जाती, कब से तेरी राह देख रहा हूँ। नृत्य का रियाज नहीं करना क्या? नहीं मास्टर जी, आज छुट्टी। आइए पधारिए, आइए पधारिए। क्या है? आपको नहीं मास्टर जी। हालत तो देख अपनी, पसीना ही पसीना। तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितना प्यार करती हो मुझसे। तेरे सहारे ही तो जी रही हूँ बेटी। जा कपड़े बदल जा। आइए पधारिए, आइए पधारिए। आपको नहीं मास्टर जी? आजकल तुमने बड़ी छूट दे रखी है इसे। कली खुली हवा ही में फूल बनती है मास्टर जी। कहाँ जा रहा है बेटा अवतार लेकर? जहाँ पत्थरों के सिवा और कुछ नहीं। बेटा, मुझे आपका सपना पूरा करना है। इस समय? पहले ही बहुत वक्त गंवा चुका पिताजी।
जो मैंने मंदिर में नटराज की मूर्ति के सामने देखा था, दायां पांव उठा हुआ, शरीर तना हुआ, दोनों हाथ ऊपर, निगाहें तिरछी, गोया जवानी ललकार रही हो अपने ही निर्माता को। यही, हाँ यही अनुराग, प्रेम की मूर्ति। विद्या या मेरी कल्पना, इसमें सच क्या है? ये भी सच है, वो भी सच है, ये भी सच, वो भी सच। तो कौन सी चीज खींच लाई तुम्हें यहाँ? मेरी छेनी और हथौड़ी की आवाज? तुम्हारे दिल की धड़कन। वो कैसे सुन ली तुमने? वो तो बेआवाज है। तो तुमने कैसे पहचान लिया मुझे? मैं तो एक राज थी। तुम एक राज हो ना, तो चुपचाप खड़े हो जाओ, वैसे ही जाओ जाओ जाओ, वैसे ही खड़ी रहो। ऐसे? हाँ ऐसे। ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम उधर देखने लगते हो तो क्या होता है? मैं अकेली हो जाती हूँ। मैं भी तो अकेला हूँ। मुझे डर लगने लगता है। मुझसे? नहीं, अपने आप से। डर कैसा? दो अकेले मिल गए तो एक संसार बन जाएगा। सच? हाँ
ऐसे ही खड़ी रहो, निराग। अब तुम आ गए मेरे हाथों में, तुम जो हो अनुराग, और जो तुम नहीं भी हो विराग। अच्छा, तो तुम्हें वो लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, पथरीली। मैं नहीं, जीती जाती। ये भी, तुम भी, तुम जो मेरी जिंदगी हो, ये जो मेरा आदर्श है। लेकिन मैं तो खो बैठी अपने आप को। आखिर में अपने आप को पाने। अब तो जाने दो मुझे, देर हो गई है। माँ को मालूम हो गया तो। फिर कब आओगी? अपने इन हाथों से पूछो। कल? आज के बाद कल तो आता ही है। सुनो। क्या है? थोड़ी देर ऐसी। अब तुम जाकर भी मेरे पास ही रहोगी। तो वापस ना आऊं? क्यों नहीं? क्यों आऊं? जब तुम मेरी कल्पना से निकलकर पत्थर में ढल जाओगी तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। ओ। विजय के चाचा, आओ भैया आओ। क्या है? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो सही। मेरी समझ में नहीं आता विजय के चाचा, जो खुद पत्थर बना रहा इतने बरस, उसके हाथों में देखते ही देखते इतनी शक्ति कहां से आ गई कि पत्थरों की आत्मा को जगाने लगा। भाई साहब, तुम नहीं समझोगे उमर खयाम ने क्या कहा है। हर दर्द की अय्यार दवा इश्क में है, जीने में मजा नहीं, मजा इश्क में है। दिन रात खुदा को ढूंढते हैं जो लोग, कह दे कोई उनसे कि खुदा इश्क में है। कहते कोई उनसे कि खुदा इश्क में है। जन्नत की जवानी तेरे हाथों पे निछावर, आंखों के इशारों से तमन्ना को जगा दे। आकाश से उतरे हुए ऐ मेरे बुतराश, एक बार मेरे दिल की भी तस्वीर बना दे। विद्या,
ये मेरी मूर्ति है? हाँ तुम्हारी, अनुराग, प्रेम की मूर्ति। तार से छिड़ गए हैं विजय हमारे सांसों के, एक वीणा सी तड़प उठी है हमारे जीवन की। ये कैसे स्वर है विजय? प्रेम के स्वर। ये कैसी ताल है? दो दिलों की ताल। ये कैसा गीत है? पत्थरों का गीत। अजीब, धीमा धीमा सा, सरगोशियां करता हुआ, कांपता, हांपता, बहता हुआ, बहाता हुआ, सवाल भी, जवाब भी, जवाब जो अभी तक एक सवाल है, धरती के अनगिनत सवालों में से एक, मगर जिसे एक दिन जवाब बनना होगा, तुम्हारी और एक शिल्पकार के दिल की तमन्नाओं का जवाब, जिसे मैं खींच लाऊंगा अपनी तरफ, अपनी नजरों और अपने हाथों से, जिंदगी के कारवां से, खिजाओं और बहारों के हुजूम में से। गाया
पत्थरों ने ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने गीत गाया पत्थरों ने। अब खामोशी ही खामोशी, सिर्फ एक गूंज, वो भी खामोश। जब तक संसार में एक पत्थर भी बाकी है, ये गूंज कभी नहीं मिटेगी। विद्या, ये मेरे दो हाथ जब भी उठेंगे पत्थरों को तराशने, ये गूंज हर बार मिलन का गीत बनकर सुनाई देगी, तुम्हें विश्वास दिलाने कि तुम मेरे पास हो, मेरे दिल में। नहीं, मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहना चाहती। क्यों? मैं रहूंगी तो तुम्हारे हाथों में। बात एक ही है। नहीं, मेरा दिल कह रहा है विजय कि अगर मैं इन हाथों से पल भर भी दूर हुई तो तुम इन हाथों से एक दिन अपने लिए एक ऐसा संसार बना लोगे कि अपने दिल में झांक कर भी ना देखोगे। दिल और हाथ कभी अलग नहीं होंगे विद्या। तुम कहीं भी रहो, मेरे दिल में या हाथों में, वो दिन कभी नहीं आएगा कि कोई मुझसे तुम्हें छीन सके। बात पूछूं बेटा, ये मूर्तियां तूने अपनी कल्पना से बनाई है ना? नहीं। आंखें क्यों झुक गई बेटा? तू अगर अपने पिता से आंख मिलाकर नहीं देख सकता तो दुनिया से आंख कैसे मिलाएगा? पिताजी, कौन है वो लड़की? किसी की बेटी। जैसे तू बेटा है मेरा। हाँ पिताजी। वो ज्यादा सुंदर है कि ये मूर्तियां? वो ज्यादा सुंदर हुई तो मुझे दुख होगा। अगर ये मूर्तियां ज्यादा सुंदर हुई तो मैं उस लड़की को आशीर्वाद दूंगा। सच?
मगर ये मत भूलना बेटा कि कला एक तरह की तपस्या है जिसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान देना पड़ता है। अच्छा किया याद दिला दिया। जानती है ये कौन है? प्रणाम कर। सरकार इस इलाके के सबसे बड़े रईस हैं, धनराज जी। जैसा नाम वैसे गुण, लाखों रुपया मुट्ठी में। इनकी नजर जिस पर पड़ गई बेटी, उसके पोबारा चांदी ही चांदी। नमस्कार। अभी तो जंगल की गली है सरकार, गुलदान में जाके खिली तो फिर देखिएगा इसकी बहार। खिले तो घुंघरू झंके और छिरके तो धरती झूमे। क्या कहने, तो सरकार कब आए फिर इसे अपने घर ले जाए? हाथ में कंगन न कान में बूंदे ऐसे ही ले जाएंगे क्या? जोहरी न हो तो पत्थर हीरा न कहलाए विद्या की माँ। अच्छा तो हम इंतजार करेंगे। नमस्ते। सारी दुनिया घूमती है बेटी, कौन था वो जो चाहे तो मिट्टी को सोना बना दे? ये तो कुछ भी नहीं। तू क्या बेचना चाहती हो मुझे? तुझे नहीं, अपनी गरीबी को, जिसे मैंने छुपाए रखा आज तक इतने बरस इस घर की चमक दमक से, उधार लेकर तेरे लिए, तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, यहाँ तक कर्जे में डूब कर। तू क्या मुझे उससे शादी? शादी कैसे हो सकती है तेरी, सरकार तो पहले ही शादीशुदा है। तुम एक माँ होकर जाती कहाँ है? मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि जब तू जवान हो तो मैं टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाऊंगा, बल्कि इसलिए कि मेरा बुढ़ापा चैन से गुजरे, मैं भी देखूं कि जीना किसे कहते हैं। मुझे बेचकर? दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। मैं मर जाऊंगी मगर मरने दूंगी तब ना, तेरी मौत मेरी मौत होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझसे जब मन पड़ेगा मैं करूंगी तुम्हारे सुख के लिए। मैं बिक कर नहीं, मिट कर अपनी जान भर दे। कब तक तू मेरी चिता जलने लगेगी? चल मुर्दा। मोटर कार मेरे लिए।
और वो तुझे बेच रही है माँ होते हुए भी, तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। विजय, ये भी नहीं बचा सकता। पिताजी, ये वही लड़की है जिसे तू अब तक पत्थरों में ढालता रहा, मगर जो अब अपनी कीमत मांगने आई है। नहीं बेटा नहीं, हमने गरीबी में सपने देखे हैं, ये सपनों में भी गरीबी नहीं देख सकेगी। हम इसकी कीमत नहीं दे सकेंगे बेटा। इसकी कीमत रुपए पैसा नहीं पिताजी। तो क्या है, हमारे खानदान की इज्जत? नहीं पिताजी, ये मेरे दो हाथ। अच्छा, तो ये तेरे इन हाथों, तेरी कला इन मूर्तियों से भी बढ़ गई। ये इंसान है मगर ये मूर्तियां पत्थर। पत्थर? ये पत्थर हैं और कुछ नहीं। तो ले ये हथौड़ी, बरसा इसे अपने खानदान की इस सपने पर, तोड़ दे ये मूर्तियां जो तू इसलिए बना सका कि तेरी रगों में तेरे पुरखों का खून है। खून कैसा भी हो, खून का एक ही रंग होता है पिताजी। तुझे एक का होना होगा, इसका या मेरा। पिताजी, पिताजी, विजय, वो मुझे ले गए जबरदस्ती, तो क्या होगा विजय? मुझे नहीं मालूम। वो मुझे कुचल डालेंगे, मेरी आत्मा को भी, उस गीत को भी जो हमारा है, पत्थरों का गीत, तो हम क्या सुनेंगे विजय, क्या सुनेंगे? शायद अपनी हार की आवाज। हार की आवाज? तुम मुझे कौन बचाएगा? भूल गए तुमने मुझे क्या वचन दिया था? नहीं, तुम्हारे इन हाथों ने नहीं। तो फिर देखो, ये लड़की बेपता हुई तो तुम्हारे लिए, भीगती रही तो तुम्हारे लिए, फंसी तो तुम्हारे लिए, और अब ये लड़की आंसू लेके आई है तो तुम्हारे लिए। नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं इसे विद्या। आंखों से नहीं देख सकते तो अपने इन हाथों से देखो, जिन्होंने वचन दिया था मुझे। तुम बेवफा हो सकते हो, मगर ये हाथ जो एक बुत तराश के भी हाथ है, ये तो बेवफा नहीं हो सकते। देखने दो इन्हें विजय, ये रोती हुई आंखें, ये बहते हुए आंसू। नहीं समझी, तुम्हारी ये हाथ आंसू नहीं पी सकते, सिर्फ खेलना जानते हैं, तपती हुई जवानी से, लहराती हुई जुल्फों से, हंसते हुए ओंठों से, तो लो यही सही। विद्या, विद्या, जाऊं तो अच्छा है। पागल, मुझे मर ही जाने दीजिए। हम मरेंगे तो एक साथ। दोनों पागल, मरने से जिंदगी मिलती है क्या? मैं जिसे दुनिया ने सबका चाचा बना दिया, मैं जो उमर खयाम को मानता हूं, इतना जानता हूं कि जब तक दिल जवान है शहनाइयां जरूर बुझेंगी ताकि मोहब्बत कभी न मरे। क्यों रुक गए? आग कम है तो मैं डालता हूँ लकड़ियाँ, तुम मंत्र पढ़ो जल्दी। जल्दी जल्दी पढ़ने से किसी की समझ में ना आए तो? भगवान हम जैसा मूर्ख नहीं है,
सब समझता है, सुनाई न दे तब भी। अब तो ठीक है, शादी नहीं होनी चाहिए। शादी तो हो गई, 500 भरी सरकार। जीते रहो। नहीं, उस गाइड के बेटे को उसने शादी कर ली। शादी? शादी नहीं, खाना बर्बादी। घबराओ नहीं, तुम अब भी हमारे साथ चलो हमारे महल में, जहां हम दोनों इंतजार करेंगे। तुम एक खूबसूरत बुढ़ापे का और मैं एक तपती हुई जवानी का, जो एक दिन हमारी महफिल की शमा बन के ना पिघले तो। खुश आमदी ऐ मोहब्बत की शमा के परवानों, इस गरीब के झोपड़े को अपना ही घर समझो। आओ आओ। चाचा जी, अगर आप न होते। आज की रात तो आती ही। उधर देखो, उमर खयाम का करिश्मा। चांद की माने दमकती हुई पहचाने, ये दहकते हुए होंठ, और क्या चाहिए मुझे। ओ साथ अगर पहलों में एक मस्ते शबाब, एक जाम हो और हाथ में शेरों की किताब, एक साज हो और साज पे गाती हो हसीना, बन जाए ये वीराना बहारों का जवाब, बन जाए ये वीराना बहारों का जवाब। मंद बेतले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। ऐ रात तू न जाना, ऐ चांद तू न जाना, ये नौबहार चुपके से देखो, नजरें न तुम लगाना। मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, मौसम में इश्क है जरा होश संभाल, हासिल तुझे महबूब है अरमान का, कुछ बात तो कर ले के नहीं कल की खबर, क्या है गमे दुनिया
इसे खाक में डाल, क्या है गमे दुनिया इसे खाक में डाल। मंद वे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, मंद वे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। ऐ रात तू न जाना, ऐ चांद तू न जाना, नौबहार झुके से देखो नजरें न तुम लगाना। मंद वे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, मंद वे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं। वाह, क्या कारीगरी है। मैंने पिछले एक साल में देश का कोना कोना छान डाला, लेकिन ऐसा शिल्प कहीं देखने को नहीं मिला। सुनिए। ओ, कान खोल कर सुन लो। सौदा करने आ रहे हो तो मुझे फुर्सत नहीं। हाँ, अगर तुम समझते हो कि मूर्तियां अनमोल है तो इनका कोई मोल नहीं, 5 रुपए की एक। मुझे मूर्ति नहीं चाहिए। मूर्ति नहीं चाहिए तो फिर तुम? मुझे उसकी तलाश है जिसने इन मूर्तियों को बनाया है। कहाँ रहता है वो? जहां पत्थर ही पत्थर है, उसके हाथों में ढलते हुए मोम की मानंद। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? पहचान लोगे उसे? अगर ये मूर्तियाँ उसी ने बनाई हैं तो। बस करो, अब खाना खा लो। वाह, आज फिर खीर पकाई है तुमने, केशरी रंग की, 3 चौहारे डालकर। आज सिर्फ यही खाऊंगा। तुम? मैं भी खाऊंगी। मुंह खोलो। ये पाप है। मेरे हाथ से खाना? नहीं, पहले खुद खाना। ये पाप है तो पुण्य कितना सुंदर होगा। अरे चम्मच। इधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, यही है वो बुतराश। पहचान लिया? हाँ, पहचान लिया। बिन देखे कह सकता हूं इसकी आंखों में वो चमक है जो आने वाले दिनों को देख ले, हाथों में वो बिजली जो चमके तो संसार के सारे भेदभाव मिट जाएं। लेकिन एक कसर अभी बाकी है शिल्पकार। तुम पत्थरों को पत्थर समझ के तराशते हो, हीरा समझ कर नहीं। तुम्हारी छेनी की आवाज में तड़प है, गूंज नहीं। बताऊं इसकी वजह? तुमने अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर जिंदगी को नहीं देखा अभी। तो आओ मेरे साथ। कहाँ?
दिल्ली, जहां किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां तुम्हें एक ऐसी यादगार बनानी होगी जो आज तक किसी ने न बनाई हो। मंदिर? नहीं। मस्जिद? नहीं। ये सब प्रेम की निशानियां होते हुए भी इंसानों को एक नहीं करती और भी दूर कर देती हैं एक दूसरे से। तो फिर कैसी इमारत? अमन और शांति का एक स्थान जिसमें बिछड़े हुए मिल जाएं। बिछड़े हुए मिल जाएं? हाँ, और इसके लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर अपने देश को देखना होगा कि वो कैसा है। सांस लेता है तो कैसे, उसका दिल धड़कता है तो कहाँ, उसकी सभ्यता अब तक जिंदा है तो कला के किन नमूनों में। तो चलते हो मेरे साथ? नहीं। क्यों, क्या ये नहीं जाने देगी तुम्हें? आप जो कला के बारे में इतना जानते हैं, आप क्यों नहीं बनाते वो इमारत? कारण है एक इसका। क्या? बताना ही पड़ेगा। मेरे हाथ नहीं कि मैं तुम्हारे आगे फैला सकूं, मगर फिर भी मुझे दान दो बेटी अपने पति की प्रतिभा का, ताकि एक अभागे पिता को अपनी खोई भी बेटी, देश को एक नया कलाकार और मुझे अपने दो हाथ मिल जाएं जो एक हादसे में कट गए थे। विद्या, जितना तुम्हें देखता हूँ बेटी, मुझे उतना ही ख्याल आता है कि जो इमारत हम बनाना चाहते हैं वो इसलिए बनेगी कि तुम जैसी लड़की ने इस धरती पर जन्म लिया। तुम्हारा रूप ही शायद हमारा सपना है। विजय, हम लोग कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रहे तो मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा। जाओ विजय, जाओ। अब नहीं बहने दूंगी आंसू, संभाल कर रखूंगी इन्हें उस दिन के लिए जब ये मोती बन जाएंगे हम दोनों के लिए। ये कैसा मिलाप है जुदाई के रूप में।
पेशकश नजारों में रहकर तुम चाहे सपने सजाना वाली हूँ। बताऊं किसकी? एक छोटे से नए उमर खयाम की। कहिए खुश हो गए ना आप ये सुनकर? हुए ना? बताइए चाचा जी, बताइए। चाचा जी देता है मस्ती में कलम जो तकदीर हो जाए गवारा वही करो तदबीर ये कोशिशें बेकार है रोना बेकार बन जाए तो मिटती नहीं पत्थर की लकीर बन जाए तो मिटती नहीं पत्थर की लकीर Thank you.
अब ये दवा बेकार है विजय, अब ये काम तुम्हारा है विजय, वचन दो तुम इसे पूरा करोगे। मैं वचन देता हूं। अरे राम, नाथ भी चल बसे। अपना ज्ञान मुझे सौंप कर। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब कोई घर नहीं बनेगा, कोई दीवार नहीं उठेगी, मेरी बेटी शांति अब वो भी वापस नहीं आएगी। चाचा जी, मुझे किसी पर भरोसा था तो दीनानाथ पर, अब किसी पर नहीं, भगवान पर भी नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। चाचा जी, चले जाओ यहां से, तुम भी जाओ। जाते हो कि नहीं? अभी तक यहाँ खड़े हो? मैं अभी तक यहाँ खड़ा हूँ। किस लिए? आप जानते हैं किस लिए। तुम थक जाओगे। मैं थक जाऊंगा। तुम मर जाओगे। मैं मर जाऊंगा, मगर जाऊंगा नहीं। तुम बड़े जिद्दी हो। आप भी तो जिद्दी हैं। जिद्दी नहीं, दुख। आपका दुख मेरी सहायता करेगा। रात बीत गई, प्रभात हो गया। आओ आओ मेरे साथ, तुम भी चलो चंचल। यही वो जगह है जहां चाचा जी अपने बेटे के लिए घर बनवाना चाहते हैं। ये आंसू? हाँ, एक पागल पिता के पागल आंसू। यही तो वो दीप है, ये आंसू जिनकी रोशनी में अजंता और एलोरा बने, ताजमहल सांस लेने लगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस विश्वास से अब तक आप अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, उसी विश्वास से मैं एक ऐसा घर बना सकूं जहां आप और आपकी बेटी तो क्या सब बिछड़े हुए मिल जाएं। तो कब से काम शुरू करते हो? आज ही से? एक बरस हो गया है अपने घर से निकले, एक बार वहां हुआ हूं। जरूर, मगर जल्दी आना।
अब तो आना ही पड़ेगा। इन नासुओं की खातिर जिनके पीछे एक मुस्कुराहट है। विद्या, विद्या मैं आ गया। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। विद्या, चाचा जी कहां गए? चले गए। कहां? अपने मर खयाम से मिलने। क्या? और विद्या? चुप क्यों हो गए? बताइए ना। वो अब यहां नहीं रहती। हाँ, कैसे रहती अपने चाचा के बिना? तो अब वो गरीबी के दिन न देख सकी भैया। क्या मतलब? अब वो अपनी माँ के साथ रहती है, धनराज जी के घर में, एक बच्चे की माँ बनकर। माँ बनकर? सच? तो क्या मैं? कौन जानता है कौन पिता है उसका, तुम या वो धनराज? बदमाश! चाबी मेरे पास नहीं, सरकार के पास है। तुम जाओ उनके पास, थिरकते हुए पांव से। दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और तुम्हारा लाल तुम्हारी गोद में होगा। नहीं, नहीं। मर जाएगा रोते रोते। अच्छी माँ है तू, कैसे ले तूने जन्म दिया है उसे।
नहीं, वापस आ जाएगी। हमने बेड़ियां डाल दी हैं पांव में घुंघरुओं की। विजय, एक बार हमें देखो, मुझे अपने बेटे को दुनिया की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से। मैं वैसी हूँ जैसे कि तुम मुझे छोड़ गए थे, पवित्र। मैं सच कहती हूँ विजय, मुझे तुम्हारे बेटे की सौगंध। मगर तुम्हारे पाँव में बंधे हुए ये घुंघरू क्या कहते हैं? यही कि मैं बेबस हूँ। नहीं, कुछ और भी कहते हैं ये, छनक छनक कर, हंस हंस कर। क्या? ये बेटा मेरा नहीं। ये भी कहते हैं ये घुंघरू कि मर गई वो लड़की जो मुझे अपने हाथों से ज्यादा प्यारी थी। जा, दूर हो मेरी नजरों से ऐ नर्तकी। मैं नहीं जानता तू कौन है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि विद्या मर गई, पवित्रता मर गई। पिताजी, विद्या मर गई, पवित्रता मर गई। जीवन का त्याग, नहीं तो कलम कैसे मिटेगा? और अब तुझे भी मेरे साथ मिटना होगा। बच्चे की भी जान ले ली। जा बुढ़िया, हमें जवानी चाहिए, बुढ़ापे की ठलती हुई छाया नहीं, समझी? इसे अंदर मत आने दो। अभी नहीं। चलो ड्राइवर। नहीं, मेरे बेटे को मार दिया, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, नहीं। प्रिय मित्र विजय, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत उलट गया। यह पत्र पढ़कर तुम्हारी क्या दशा होगी कह नहीं सकता, फिर भी लिख रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी विद्या ने कल आत्महत्या कर ली। दरिया में डूब अपने बच्चे के साथ।
क्या जला रहे हो? अपने बेटे ये सब किस लिए? भूत का को मिटाने। हाँ बेटा, हम जिएंगे, वहीं जाएंगे जहाँ तेरे पिता गए हैं, ये साबित करने कि वो कला है तो क्या मैं भी पवित्रता हूँ। मिल गई मालिक, मिल गई। कौन? खाना पकाने वाली। ओह, खाना पकाने वाली। आपने ही कहा था ना मालिक कि रसोईया बुढ़ा हो गया है, कोई मिल जाए उसका हाथ बटाने वाला। मैं उसे अभी ले आऊंगा। मैं समझा तू आ गई। खाना पका सकोगी? जी। उम्दा? जी। बिना बताए हमें छोड़ के तो नहीं जाओगी? चुप क्यों हो गई? बोलो ना। यही कहा ना कि बिना बताए नहीं जाओगी। आओ। अरे इसकी भाषा तो बिल्कुल अलग है, ये कौन सी जबान बोलती है? हमारी तो समझ में नहीं आती, लेकिन ये हमारी बात समझ लेगी ना, नहीं तो हमारी पसंद का खाना कैसे पकाएगी? हिंदुस्तानी यही कहा ना कि तुम हिंदुस्तानी नहीं बोल सकती लेकिन समझ सब सकती हो। वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मालूम तो हो तुम कौन हो? सूरत देखे बिना कैसे रख ले? शायद जी कहती है मालिक कि इसके गांव में औरत का हूँ उसका पति के बिना कोई नहीं दे सकता। चोरी, यही बात है ना? तो क्या तुम अपने माँ बाप से भी पर्दा करती हो? तो फिर मुझसे क्या पर्दा? जैसे वो वैसे मैं। नाम है तुम्हारा? सुमंगली। सुमंगली, इसका एक बच्चा भी है मालिक। बच्चा? बाहर है, जाता हूं मालिक अभी। किस बच्चे का बाप? दोनों को छोड़कर कहीं चला गया है। तू बड़ी भाग्यवान है लड़की, तेरा बच्चा तो तेरे पास है। हरनाम सिंह, इसे रसोई घर दिखाओ और इसके रहने की जगह भी। जाओ, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ। अरे
बहुत सारे भी आप आएंगे बहुत मजा आएगा वाह मेरा वाह मन्ना लाल ना पेट भराएंगे कुछ दो 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 वाह क्या भोजन पका रहा सुमंगली तुमने जी चाहता है सालन के साथ साथ उंगली भी चाट जाओ आओ ये है हमारे मालिक की खोई हुई बेटी का कमरा तुम देखना चाहती थी ना देखो ये है हमारे बिटिया रानी के खिलौने जिससे वो खेला करती थी ये है बिटिया रानी के कपड़े रंग बिरंगे फ्रॉक छोटे छोटे मोजे और यह है उसका पालना जिसे मालिक अब भी कभी कभी छुलाते हैं और एक चीज दिखाऊं तुझे यह है उसकी वो तस्वीर जिसे मालिक किसी को छूने नहीं देते जानती है क्यों इसमें छुपी हुई उस मनहूस आया की तस्वीर भी है जो हमारी बिटिया रानी को उठाकर ले गई थी दिखाओ देख जल्दी तुलसी कुछ नहीं हो रहा है मालिक मैं ये तस्वीर बिटिया रानी की और चुड़ैल की तस्वीर 17 बरस वो दिन और आज का ये दिन मालूम होता है पुलिस वाले इसे ढूंढते ढूंढते खुद ही कहीं गुम हो गए हमने समझा जब तक इस मनहूस का साया इस घर पर रहेगा मेरी बेटी कभी यहां नहीं आएगी कभी नहीं ले सुमंगली आग में झोंक दे इसे प्लीज सुमंगली तू इसे मत देखना इस मनहूस को जो भी देखता है उसकी जिंदगी ही बदल जाती है और फिर तेरा तो एक बच्चा भी है खबरदार देखना मत तुझे मेरे सर की सौगंध करे बच्चा अपनी मां से भी बढ़ जाए बहुत बड़ा रसोईया बनकर क्यों पुत्र ठीक है ना ठीक है ना उई, 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 ना जाने क्या बोलती है अरे तमिल बोलती हूँ इले 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 तमिल उमल इले गुजराती रूपा गुजराती अरे आ भाषा गुजराती न होय कदा तेलुगु बोलती होय तेलुगु ले दो कन्नड ले दो मलयालम ले दो नेन चपता नो मराठी इंदा बाणी ना इंदा काय मराठी भाषा है का नहीं नहीं बंगाली असेल बंगाली ना रे ना एक ही बंगाली भाषा एक ही बोलवे हमारे गुरुदेव टैगोर की भाषा हमका जान पड़त है कि सिलोन की भाषा बोलत है सुमंगली तय जो भाषा बोलत है कि सिलोनी है ना अगर ये सलोनी है तो अपने बीच कोई भी नहीं समझने वाला ये भाषा अपने यहाँ सिलोनी भाषा जानने वाला कोई नहीं है तो का भया का सुमंगली तोर भाषा सिलोनी है ना आ, आ। अरे हाँ अपने पड़ोस में वो सिलोनी से ना तेने बुलाई जाता हूँ
देव भाई आ गया सिरोनी। इनका नाम है करुणा रत्ने। अरे करुणा रत्ने, इससे पूछो कि ये सिलोन के रहने वाली है ना। अबल अंता है और इसे पूछो कि ये सिलोन के कौन से गांव की रहने वाली है। अबे गामे नमक मांग दे। कोई से कात बने वही तो पांच बने तो कात बने रे उन पांच बने कोई तो बड़े बड़े बने वही तो मात बने चिकन में मात बने बने ने इन पांच बने इन कात बने कैंडी में क्या बोला क्या बोला कैंडी। अब कैंडी दे कैंडी कैंडी। हमारे सिलोन में एक हिल स्टेशन है बड़ा ऊंचा कैंडी। ये उधर का रहने वाला है कैंडी का। अच्छा भाई इससे पूछो कि ये हिंदुस्तान कब आई, किस लिए आई और कैसे आई। अब इंडिया वाले कावदा दावे मुकट दावे कोहम दावे कोहम दावे एंग दावे बड़ी बड़ी काबड़ी बड़ी दावे इंदु पाँच बड़ी काबड़ी कच्ची बड़ी काबड़ी कच्ची बड़ी काबड़ी एंड बड़ी काबड़ी बड़ी कच्ची बड़ी का बड़ी बड़ी काबड़ी बड़ी एंड पाँच बड़ी कड़ी कुकुई नाड़ू जी बड़ी काबड़ी एंड पाँच बड़ी कड़ी बाबड़ी बड़ी कड़ी बड़ी पट्ट बाद बड़ी बड़ी का एंड पाक बड़ी एंड पाक पाक पाँच बड़ी मेरी एंड माँ एंड कुछ माँ हुई टूए ना हुई एंड कुट मलवाज बड़ी ने एंड पाँच बड़ी काम ने मिली एंड पाक बड़ी दावे तो मिली एंड पाक बड़ी काम बड़ी काम ने दिला ला 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 इन्हीं काम ने दिन कंद बड़ी कंद 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 दावे कंद बा एंड पाक बड़ी कंद बा एंड पाक बड़ी कंद पाक बड़ी कंद बा मिली। क्या बोलती है? अरे ये सिलोन की भाषा है तो तुम कैसे नहीं समझे? कैसे समझेगा, ये कैंडी का नीचे का बटन का रहने वाला। हाँ। इसका भाषा भी नीचे का। हाँ। और हम कैंडी का टप का। हाँ। हमारा भाषा भी टप का। हाँ। ये नीचे वाला का भाषा हम नहीं जानता। बहुत तारीफ करवा ली अपनी, जा अब कुछ काम भी कर। विजय बाबू खाना खा चुके होंगे, उनके कमरे से बर्तन उठा के ले आ। इन पाक में दे इन पाँच बड़ा बच्चे को दे इन माँ चुबे थे बच्चे का बहाना करती है। काम चो ला इसे मैं संभालता हूँ। जा मैं कहता हूँ जा। समझ गया मुझे क्या करना है। चंचल तुमने ये ब्रश अपने हाथ से मेरे हाथ में दिया तो खुल गया वो राज जो अब तक पर्दे में था। राज ब्रश? मैंने ये ब्रश दिया? घबराओ नहीं, तुमने जो किया ठीक ही किया। आओ आओ मेरे साथ, तुम ये लेकर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या बात सोची है। देखो देखो चंचल, देखा समझी इसका मतलब? नहीं नहीं। अब देखो, देखा ये रंगों का मिलन, अनेकता में एकता, ये है अमन का एक नया रूप, उसकी एक नई झलक। यही झलक उस घर में होगी जो मुझे रामाराव जी की बेटी के लिए बनाना है। अब मैं समझा उसकी बनावट कैसी होगी, उसके रंग कैसे होंगे, उसके दरो दीवार कैसे होंगे। आज मैं खुश हूँ,
बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे कारण चंचल, तुम्हारे कारण। कहती है यही रहे तो ठीक है, मैं यही रहूंगी पर्दे में छुपे, सब कुछ सहन करते तेरी खातिर, जब तक मेरे माथे का कलंक नहीं धुल जाता, ताकि कोई ये न कहे कि तू एक कलंकिनी का बेटा है, कलंकिनी का। वाह बेटा, तू भी एक मूर्तिकार बनना चाहता है, मुझ जैसा शिल्पकार? नहीं, मेरी बात मान, बड़ा दुख होता है पत्थर तराशने में, मूर्ति तो बन जाती है पर दिल के टुकड़े हो जाते हैं। तू नहीं मानेगा मेरी बात? अच्छा, तेरी मर्जी, मगर ऐसे नहीं, ऐसे। देखिए रामाराव जी, ये घर तो बन ही चुका जैसा कि आप चाहते थे, अब आपकी बेटी चाहे इसमें किसी भी रूप में आए, उसका दम नहीं घुटेगा यहाँ। सुनियो दर्शन दो, दर्शन और इंटरव्यू, इंटरव्यू। ये लड़कियां किस लिए? मुझे एक मॉडल चाहिए, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर मैं चंद एक मूर्तियां बना सकूं, इस घर को सजाने के लिए अपने देश की अलग अलग बेटियों जैसी, ताकि जब मेरी बेटी आए तो वो ये समझे उसकी सहेलियां उसके पास है। जी। बासुबाऊ जी जाने से, चलो बादशाह, चलो 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 चलो।
वही चंगी लगी। तुम्हें हर नाम से साड़ी गल ना पूछो बाबू, आज तो कार का ही एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कार न चलाना आज हरनाम सिंह। सतवचन मालक। दूसरा ड्राइवर भेज देना। सतवचन मालक। एक भी पसंद नहीं आई? नहीं। खूबसूरत तो सभी हैं। हाँ सभी खूबसूरत हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर हमारे देश की चमक नहीं। चाचा जी, मेरे पिताजी अफ्रीका से आ गए। पिताजी आ गए? अच्छा विजय, आज तुम खाना हमारे साथ खाना। अभी काम बहुत है। काम तो होता ही रहेगा। क्या यही एक काम है जिंदगी में? अब तो आना ही पड़ेगा। तुलसी, अरे तुलसी, अरे आज तो बस ऐसा खाना पकाना कि खाया ना हो कभी। सुमंगली, तुलसी कहाँ? तुमसे क्या कहूँ, तुम तो मेरी बात समझोगी नहीं। बोलिए मालिक, समझ लूंगी। अरे तुम तो हिंदुस्तानी में बात करने लगी। सीख गई थोड़ी थोड़ी, इतने दिन इधर जो रही। तो सुनो, आज खाने के साथ कोई मीठी चीज भी पकाना। मुझे एक मीठी सी बात भी करनी है, सगाई की। सगाई मालिक, किसकी? अरे क्या कहूँ, चंचल की। हाँ? विजय से। अरे वाह, खुशी के मारे बर्तन भी नाचने लगे। सुमंगली, तुम लड़की हो, तुम ही बता सकती हो, ये जोड़ी अच्छी रहेगी ना? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, समझा तुम्हें अपना पति याद आ गया। बेटी, भूलना मत वो मीठी चीज। अरे सुंदरी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी? क्या करूं, मालिक ने कहा कोई मीठी चीज। तो पकाओ ना, मैं बताऊं। मैं बताता हूँ, हलवा बनाओगी ना माँ? हाँ बनाऊंगी, मगर हलवा नहीं, उससे भी एक अच्छी चीज। मेरे लिए? सबके लिए, उनके लिए भी जो एक नई इमारत बनाने लगे हैं। आशाम लाल जी, फिर क्या ख्याल है आपका? जी मीठा। क्या सोच रहे हो विजय? जी कुछ नहीं। तुम जो इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, एक बात और मानोगे? क्यों नहीं। हम चाहते हैं तुम्हारी और चंचल की सगाई हो जाए। खीर छुहारे वाली। क्या हुआ, बहुत गर्म है क्या ये खीर? बहुत गर्म, जलती हुई। चला क्यों गया? जब देखो काम में खोया रहता है। हाँ पिताजी। तुलसी, खीर किसने पकाई है आज? सुमंगली ने। सुनो, खीर पकाना तुमने किसे सीखा?
ये क्या पूछने की बात है? लड़की को खाना पकाना उसकी माँ सिखाती, उसकी सास सिखाती, दूसरा और कौन सिखाता? कहाँ की रहने वाली हो? रहने वाली सिलोन कैंडी ओबलंग का विधव। ठहरो, क्या बात है विजय? देखिए रामाराव जी, इसे देखिए, यह है वो मॉडल जिस पर से मैं मूर्तियां बनाऊंगा। मगर कैसे बनाओगे? ये अपना मुंह तो किसी को दिखाती ही नहीं, अपने पति के सिवा। मुंह नहीं दिखाती, इसके सर पर हमेशा घूंघट रहता है। घूंघट? मुझे एक नई बात सूझ गई रामाराव जी, मुझे जो मूर्तियां बनानी है वो हमारे देश की बेटियों जैसी होंगी, एक से एक नया रूप। अब मैं समझा वो रूप कैसा होगा, किसी मामूली लड़की का नहीं, दुल्हन का, घूंघट काले हुए। खूब, क्या बात सूझी है विजय। सुमंगली, सुना तुमने, विजय मूर्तियां बनाना चाहता है तुम्हें अपना मॉडल बनाकर। हाँ हाँ, तुम मेरे सामने खड़ी रहोगी इसी तरह घूंघट काढ़े, और मैं तुम्हें अपनी निगाहों से खींच के पत्थर में डाल लूंगा। नहीं, मान जाओ सुमंगली। नहीं माँ। समझ गया, ये अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो इसे भी अपने साथ रखें। मैंने इसे जब भी देखा है पत्थर तराशते हुए, मैं इसे भी मूर्तियां बनाना सिखाऊंगा, एक बहुत अच्छा शिल्पकार बनाऊंगा। सीखोगे ना बेटा? हाँ। कैसी मूर्तियां बनाओगे? इप पड़ी। वाह बेटा, शाबाश। अब तो हाँ कह दो सुमंगली। मान जाओ माँ। सर पर घूंघट, मन में पति की लगन, सर से पांव तक दुल्हन, पवित्रता का रूप, गंगा की बेटी। बेटे, सुना तूने? उन्होंने मुझे दुल्हन कहा, पवित्रता का रूप कहा, गंगा की बेटी कहा। Thank you.
ना, ये भी घूंघट वाली। हाँ क्या? तेरी माँ भी तो घूंघट वाली है। माँ ने घूंघट हटा देता तो इसका घूंघट भी हटा दूंगा। हटा दे शो। इसकी बोली पर जिसमें सभी जमानों के शब्द हैं, जो इसने इस घर के नौकरों से सीखे हैं, अपने देश की भाषा ऐसी ही कुछ होनी चाहिए। ज़रा इन भक्तों से कहो शोर कम मचाएं, हम जरा नमाज पढ़ने। नहीं नहीं, पहले हमारा कीर्तन होगा। आज ही तुम सबको अपना अपना मजहब और धर्म कैसे याद आ गया? क्या करे हुजूर, आपने इन पर्दों के पीछे ये इमारत ही ढंग की बनाई है कि हमें हमारा खुदा याद आ गया और हमें अपना भगवान याद आ गया। और आपन को खबरदार, जो इस जगह मजहब और धर्म के नाम पे झगड़ा किया तो हम अपना मजहब ना लेके जाए और हम अपना धर्म। इसे अपने दिल में रखो या अपने घर में, हर जगह नुमाइश की क्या जरूरत है? तुम्हारे खुदा और तुम्हारे भगवान ने कभी आपस में झगड़ा किया, शोर मचाया? वो शांति से चुपचाप रहते हैं ना, तो जाओ तुम भी शांति से चुपचाप जाके काम करो। लोग आज का काम खत्म करके चले गए, तुम भी बस करो अब। इसी तरह रात दिन काम करते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। हटो जल्दी, वक्त कम है। ना हटो तो क्यों? एक सवाल है जिसका तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया विजय। कौन सा? हमारी शादी। मंगली कब तक जवाब नहीं दोगे? चंचल, मैं जिंदगी में एक बार ये जुआ खेल चुका हूँ, दोबारा दाव लगाने के लिए तैयार नहीं। तुम अपनी हार से डरते हो? रात नो जुआ झूमता तमा डर के पछताना, हार में प्यार है
चंचल। चंचल माफ करना सुमंगली। सुमंगली कहाँ गई? थक गई है बेचारी। सुमंगली नानी, तुम्हें देखकर नहीं, मेरी भूल। पहले ये बताओ तुम आज तक पर्दे में क्यों रही? पर्दा नहीं बाबूजी, घूंघट। घूंघट नहीं, धोखा। बाबूजी तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया, कभी सुंदरता, कभी मोहब्बत, कभी पवित्रता बनकर। नहीं विजय नहीं। मैं समझा तुम मर गई हो, तुम मरी क्यों ना गई? मरी जाती तो अच्छा था, लेकिन हमारा बेटा। हमारा नहीं, तेरा। ऐसा मत कहो विजय, मैं तुम्हारे पांव बैठी हूँ, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहो, तुमने मुझे ही नहीं मेरी कला को भी तबाह कर दिया है। ये सब मूर्तियाँ जो मैंने तुम्हें देखकर बनाई है सब अपवित्र हो गई है। यही नहीं, यहाँ का पत्थर पत्थर भी अपवित्र हो गया है। मैं इन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तोड़ छोड़ कर। ठहरो, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये मेरी कला है, मेरा निर्माण। सिर्फ तुम्हारा नहीं। मेरा नहीं तो किसका? तुम्हारे पुरखों का, तुम्हारे बूढ़े पिता की तपस्या का, उस गीत का जो पत्थरों ने गाया तुम मेरे सांचे में ढलकर। परे हट। कभी नहीं। जरा जा, चली जा। तू यही चाहती थी ना? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। पर इतना याद रखना कि तुम्हारे बूढ़े पिता अभी तक अपने सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, मैंने आपको दिल्ली आने के लिए लिखा था, पर अभी आप ना आइएगा। वैसे तो मैंने यहाँ का काम पूरा कर लिया है, लेकिन इस घर की मुख्य प्रतिमा मेरी परेशानी के कारण अभी तक अधूरी है। विद्या जिंदा है और उसे यहाँ देखकर मेरा दिल फिर अशांत हो गया है। तो भी विश्वास रखिए, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। मैं ये मूर्ति अधूरी नहीं रहने दूंगा। Thank you.
भी ठीक नहीं। ये क्या कर रहे हो विजय? समझ में नहीं आता इस दुल्हन के हाथ पे क्या रखूं, क्या रखूं जिसे ये एक नया रूप धारण करके इस घर की आत्मा बन के हमारे सामने आ जाए। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो खाली रहने दो ये हाथ, ये दुल्हन ऐसी भी अच्छी लगती है। नहीं, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। क्या कहने, रोम अच्छा। तुम यहाँ क्यों आए? मेरी माँ बात नहीं करती, रोती रहती है। शर्मक्का, दफा हो यहाँ से। जाते किसे हो? तुम कौन होते हो मेरी अम्मा को डांटने वाले? नालायक, जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों आवारा। दूसरा हाथ भी ना तोड़ दो तो कहना। खबरदार, छोटा हो तो काय झाला, इंगे बदला लूंगा कि याद कर शो। क्या हुआ विजय, मारने क्यों लगा था वो, बताओ ना क्या बात है? कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? हाँ, छुपा रहा हूँ अपने आप को तुमसे। विजय। नहीं चंचल, नहीं, मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, वो नर्क है, नर्क। नर्क? बच्चा सुमंगली, दूजा हाथ भी टूट जाए तो भालो है। किसका बेटा? चाचा और किसका, कमल दीप पंछी दुड बातें, इतना नहीं जानता कि दुल्हन के हाथ पर क्या रखना है। छोटा हूँ तो क्या हुआ, माने खबर छे कि क्या रखना है, बना भी सकता हूँ। वो अंते, तुझे क्या पता मैंने क्या बनाया, तू तो दुल्हन बनी बैठी थी, आँख कान मुंह सब बंद। ए मून, सच? सच नहीं तो क्या झूठ, इधर देख। ए वो अपन जो, अगर मैं चाहूँ तो वो चीज भी बना सकता हूँ दुल्हन के हाथ पे रखने वाली, जो उससे नहीं बनती, लेकिन बनाऊंगा इल्ला। क्यों बेटा? क्यों बनाऊं? कट्टन दो उसकी ना, रहने दो दुल्हन का हाथ खाली, लोग उस पर हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। बेटा यल्ला लोग कहेंगे वो कुछ नहीं जानता, पागल है, बुद्धू है, तो आम ही बोल बो बुद्धू। वो पागल नहीं, बुद्धू नहीं बेटा, वो तेरे पिता है। चल अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दिल्ली छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। दिन और एक एक करके ये सब पर्दे हटेंगे और फिर मैं बेताब होकर पुकार उठूंगा, शांति मेरी बच्ची, शांति। चंद रोज और ऐ छिपी हुई दीवारों, फिर तुमसे टकराकर मुझे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देगी, पांव की चाप सुनाई दे जिसे सुनने के लिए मैं आज तक जिंदा हूं। चंद रोज और इस दरवाजे में एक सरसराता हुआ आंचल, उस दरवाजे में उसकी चूड़ियों की खनक,
और उस दरवाजे में सुमंगली तुम मैं समझा कि मैं आपकी बेटी हूँ। तुम ही वो होती तो नहीं मालिक, मगर वो आएगी। आएगी आएगी तो क्या मैं उसे पहचान सकूंगा? क्यों नहीं, आप जो पिता हैं उसके। अरे हाँ, मैं नहीं पहचानूंगा तो और कौन। मालिक, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। आपने मुझे सहारा दिया, मेरा बच्चा आपकी छाया में पला, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर आज आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, आज्ञा दीजिए मालिक। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें बुला भेजा है? क्या उसका कोई पत्र आया है? नहीं। तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अभी तो इस घर का गृह प्रवेश होना है, पर्दे उठने हैं जो तुम उठाओगी अपने हाथों से। मैं नहीं मालिक, नहीं, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, खाना पकाने वाली। अगर तुम न होती तो ये मूर्तियां कैसे बनती? पथरीले बेजान होंठों पर मुस्कुराहट कैसे खिलती? मालिक, आपके मुझ पे इतने एहसान, मगर मुझे डर लगता है वो क्या कहेंगे, आपके शिल्पकार विजय बाबू। वो तो उल्टा खुश होगा, क्या वो जानता नहीं कि तुम ही उसकी प्रेरणा हो, उसके दिल की धड़कन, उसकी छैनी की धार। नहीं मालिक, नहीं। देखो सुमंगली, ना मत कहो, ये बदशगुनी होगी। ऐसा ना हो मेरा विश्वास जिसके सहारे मैं अब तक जिंदा हूँ कहीं वो टूट जाए तुम्हारे ना कहने। मालिक, तुम्हें जाना ही है तो ये पर्दे हटा कर जाना सुमंगली, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कहो तो अभी आज्ञा दे दूं, मगर तब तक रुक जाओ सुमंगली, मेरी खातिर कह दू हाँ। रो कर नहीं, हंस कर सुमंगली, ये पर्दे भी हटाना तो हंस कर। हाँ मालिक, आप कहते हैं तो। उस दिन सभी के होंठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऐसी। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। अच्छा क्या चंचल तुम आ गई? उस दिन ये घर संगीत की मधुर तानों और पायल की झंकार से ही गूंजना चाहिए। हाँ चाचा जी, सांसों के तार पर, धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थर में।
की उल्पत सोचा भी नहीं था कि ये घर हमारे देश जैसा बन जाएगा। एक बहुत बड़ा घर जिसके छोटे बड़े कमरे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों जैसे। हाँ, इधर पूरब की सभ्यता है, उस तरफ उत्तर की, यहां दक्षिण की और इस तरफ पश्चिम की। धन्यवाद है शिल्पकार तुम्हें और तुम्हारी इस अनोखी कल्पना को, जिसने एक दुखी पिता के आंसू की लाज रखी। मुझे भी कुछ कहना है। चंद दिन पहले ये घर एक शरीर था मगर बेजान, और मैं परेशान था कि इसकी आत्मा का रूप क्या होगा। तब ये माँ एक माँ नहीं थी, एक दुल्हन थी जिसके हाथ खाली थे। लेकिन अब ये हाथ खाली नहीं, इन हाथों में बालक देकर जिसने एक दुल्हन को मां बनाया, जिसने हमारे देश की छुपी हुई आत्मा को ढूंढ निकाला और उसे इस ममता की देवी के रूप में ढाल दिया, वो मैं नहीं, कोई और है। वो महान कलाकार अगर इस समय यहां होता तो मैं अपनी कला और अपने आप को उसके चरणों पर निछावर कर देता। तुम क्यों आ गया है? ये बालक मैंने बनाया है। तुमने? कैसे? दुल्हन में मुझे अपनी माँ दिखाई दी, इप पड़ी। तुम मुझसे नाराज थे, फिर तुमने मेरा अधूरा काम क्यों पूरा किया? मैं तुम्हारा बेटा हूँ इसलिए। बेटा? ये तुम्हारा ही बेटा है। हमने बड़ा अन्याय किया जो मैंने अपने घर का और तुमने अपने दिल का दरवाजा इस पर बंद कर दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि सच्चाई क्या है, मैं सीधा यहाँ आया तुम्हें विश्वास दिलाने बेटा कि विद्या पवित्र है, मेरी बहू पवित्र है। आ बेटा, अब हमारा यहाँ क्या काम? ये कला है तो मैं भी पवित्रता हूँ। बेटा,
बेटा रोको उसे, वो तुम्हारी पत्नी और मेरी बहू ही नहीं, रामाराव जी की बेटी भी है। मेरी बेटी? हाँ। चांडाल तू हमारे, आप जो मुझे सजा दे वहां कम है, पर उसे रोकिए, यही जानती है आपकी बेटी, उसने बड़े दुख उठाया है मालिक। सुमंगली, सुमंगली, सुमंगली। क्या ये जो मेरे सामने खड़ी है, ये यही शांति है मालिक, आपकी शांति। मेरी शांति? सच बता, ये फिर कोई नई चाल है तेरी, एक नया झूठ? नहीं, मेरी जिंदगी में यही एक सच्चाई है, मुझे माफ कर दे, तू ही मेरी बेटी है। वहीं खड़ी रहे, मैं तुझे दूर ही से देखता रहूं तो अच्छा, मैं तुझे छूंगा नहीं, पलकें भी नहीं झपकूंगा, मैं डरता हूं अगर ये सपना है तो टूट ना जाए कहीं। शांति, शांति मेरी बेटी, मेरी बेटी, शांति। विजय, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर यह तो एक खेल था बेटा किस्मत का, जो उसने तुम्ही से नहीं हम सब से खेला। ये मत देख बेटा कि कितने आंसू बहे हैं, ये देख कि इन आंसुओं से आज कितनी मुस्कुराहटें पैदा हुई। लेकिन इस बेगुनाह की आंखों से जो आंसू बहे मेरी वजह से, किस्मत ने मुझे क्यों चुना इस काम के लिए? विजय, नहीं, इन्हें मत छू। विद्या, तुमने ठीक ही कहा था, ये हाथ सचमुच बेवफा निकले। नहीं विजय, नहीं। हाँ, ये सच कहती है विजय, ये हाथ कैसे बेवफा हो सकते हैं, जिन्होंने एक ऐसी यादगार बनाई जिसका पत्थर पत्थर हमेशा एकता के गीत गाता रहेगा। सिर्फ इन्हीं हाथों ने नहीं, दो हाथ और भी हैं हमारे नन्हे पोते के। अरे कहाँ वो महापुरुष, उसे तो हम भूले चले थे।